स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी डाइट को लेके, क्योंकि व्यक्ति क्या है, सबसे ज्यादा डाइट का ही ख्याल आजकल नहीं रखता है। क्या होता है कि या तो उसके पास टाइम नहीं होता है, या फिर उसको बाहर की चीजों का वो इतना शौकीन हो जाता है कि घर का खाना पसंद नहीं आता है। उसको लगता है कि बस बाहर का खाना खाते हैं तो हम बढ़िया रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी हमें नहीं होगी। सबसे ज्यादा ये दिक्कत परेशानी यंगस्टर्स में देखी जा रही है कि घर का खाना पसंद नहीं आता है, बना बनाया खाना ले आते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके एक तो मैं आपसे जानकारी जानना चाहूंगी कि बाहर का खाना क्या हमें अत्यधिक खाना चाहिए, और जो मसालों का उपयोग आप बताते हैं कि पिसे पिसाए मसालों को आप टाटा बाय बाय कर दिए और घर में ही मसाले पीसिए। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मुमकिन हो, जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने का इंतज़ाम पकाने वाला या ऐसा नहीं होता। मैं भी ऐसा रहा हूँ कि मुद्दतों मैंने होटल का खाना खाया, जी जी और अगर कोई मजबूरी ना हो तो घर का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल अब घर वालों को घर का खाना की अहमियत कब है? जब हमारे घर के जिम्मेदार अपने मसाले अपने ग्राइंडर में ही पीस लिया करें, पिसे पिसाए न लाया करें, ज़रा सी तकलीफ़ उठाए। लेकिन अगर घर में मसाले पीसने लगे तो आपका परिवार बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच सकता है। ज़रा सी तकलीफ़, तकलीफ़ भी क्या है? पहले लोग सिल बट्टे पे मसाला पीसते थे, आज अच्छे अच्छे ग्राइंडर हर घर में तकरीबन है। तो ज़रा सी तकलीफ़ जो है ज़िंदगी भर की आसानी है। ये जो आप असली मसाले घर पे पीसते हैं, उनका मतलब यह है कि आपको ओरिजिनल मसाले मिलें, और ये खाने से हम रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रोग होंगे तो ऐसे नहीं होंगे कि आपकी बॉडी उनका मुकाबला नहीं कर सके। देखिए, हर जगह दुश्मन है। आदमी के जिस्म से बाहर दुश्मन, आदमी के जिस्म के अंदर दुश्मन, वो बैक्टीरिया के रूप में है। तो हमारी बॉडी में इतनी पावर होनी चाहिए कि उन बैक्टीरिया से ज़िंदगी भर लड़ सके। तो वो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति आती है, वो घर के पिसे हुए सही मसालों से आती है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिल्कुल किसी को रोग ना हो, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। रोग कोई भी आ जाए, आप उसको उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और देखिए, जीवन बड़ा कीमती है। जब तक हम जवान रहते हैं तो कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन बढ़ती उम्र के बाद फिर हम संभाल नहीं पाते अपने आप को। और बच्चे तो सब वो करेंगे जो आप मना करेंगे। आप में ये ताकत है कि अपने बच्चों को किस किस सांचे में ढालना है, बाजार के खाने के सांचे में ढालना है या अपने हाथ के घर के और शुद्ध खाने खिलाने के सांचे में ढालना है। घर की गृहिणियों पर बहुत डिपेंड है, और जो समझदार गृहिणियाँ हैं वो इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा ही आप लोग अगर वक्त निकाल लेंगे तो घर में अपने बनाए हुए मसालों का उपयोग जब आप किसी भी व्यंजन में करेंगे तो आप लोग खुद ये देखेंगे कि कोई बीमारी अब हमें नहीं होने वाली है। देखिए, पेट ही हमारे बीमारियों की जड़ होती है, जननी होती है। अक्सर आप लोगों को हकीम साहब द्वारा ये बताया जाता है कि पेट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट ठीक तो सब ठीक। अगर पेट आपका ख़राब होने लगता है तो तमाम बीमारियां आप लोगों को हो सकती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर किसी रोग को लेके आप लोग सवाल करना चाहते हैं, बड़ी से बड़े बीमारी का भी इलाज संभव है जब आप लोग नुस्खे जानते हैं हकीम साहब से, तो तुरंत आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। तिवारी जी हैं कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। अरे, जी नमस्कार सर। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ, जी सर, भोपाल से बोल रहा हूँ, भोपाल से। सवाल करिए। मैडम, ये
गीता तिवारी हमारी मिसेज खा रही है गोन चिया जी सुबह शाम। बाकी वो जो उठ नहीं पाती थी पेशाब निकल आती थी उसके लिए लाजवंती ईसा गोल्ड की भूसी और वो गोंद तिरौंजा ये आपके यहाँ से मंगवा लिया। ठीक है, तो इसको खाने की विधि कैसे है? क्या दोपहर में इसको लेना है या शाम को थोड़ा फर्क करके खाना है? अभी शुरू नहीं किया क्या? अभी शुरू नहीं किया क्या आपने खाना? नहीं अभी नहीं शुरू किया। कितना कितना खाना है हमने कहा पूछ लू, नहीं तो फिर नुकसान करे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा किया। देखिए इसबगोल और जो नुस्खा वाला है इसबगोल और लाजवंती वाला वो किसी भी वक्त ले सकते हैं और दिन में दो बार ले सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा और कम से कम एक बार ले सकते हैं। दूध में मिला के ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मुँह में चिपकती हैं तो दूध में या उसमें मिलाकर चलाते रहे चम्मच और फिर ये लुआब ले लेता है, उस गाढ़ा सा हो जाता है, इसमें से गम निकलता है और वो पी लें एक बार या दो बार। गौन स्या जो आपके पास है काला गौन, ये अलग पीस के रखें और ये कड़वा बहुत होता है, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद दो बार, आधा आधा ग्राम बस। ये भी कड़वा होता है बहुत और चिपकता है मुंह में, तो इसलिए या तो ज़रा सी मलाई ले लें और उसमें मिक्स करेंगे, इसका पाउडर बना के अलग से रख लें, आधा ग्राम मलाई में या शहद में ऐसे मिला के जल्दी से खा के पानी या कम चर्बी का दूध पी लिया करें। ये दो बार खाएं, जल्दी शुरू करें, जल्दी फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। राकेश शर्मा जी हिमाचल से स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। सलाम आदाब शुक्रिया सलाम जय हिंद। राकेश भाई कैसी तबीयत है अब? ठीक हो रही है धीरे धीरे सर जी। या मैडम मेरे दो सवाल है आज। जी सर। एक तो मैंने गोन श्याम हुआ था, दो महीना वजह पांच दिन हो गए मेरे को लेते हुए, तो टांगों में मेरी दर्द थी पिंडलियां वगैरह की वो तो कम हो गई, तकने तक जो पैर की उंगली तक जाता था, कमर में जकड़न हो गई बहुत ज्यादा, कल परसों से ना बहुत ज्यादा हो रही है, अभी सीधा भी नहीं हो रहा मेरे से। ठीक। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल है मेरा, मैंने गोल मरेंगा मंगवाया था, तीन साल ने बोला था मेरे को, उसमें गोल और मोरिंगा का पाउडर बनाकर दूध से लेने के लिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक तो जैसे यूरिन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होगी, और क्या फायदे हैं इसके बाद? दो सवाल है। ठीक। हाँ देखिए, जो आपकी पिंडलियों में दर्द होता था और खिंचाव या दर्द, तो ये जो नर्व थी ना वो कमर में ही दबी हुई थी, दबी हुई है, लेकिन वो इतनी अच्छी हो गई है कि आपके पैरों का दर्द चला गया और कमर में अभी जो सेंटर होता है इसका, मैं अक्सर सबसे कहता हूँ कि हमारे अगर पैरों में दर्द होता है तो उसका सेंटर हमारी कमर में डिस्क में होता है, जहाँ इस वक्त आपको दर्द बाकी रह गया है, बाकी सब चला गया, बहुत अच्छा। तो अब इसी की बारी है, जब बहुत ज़्यादा हो तो कभी दर्द की दवा ले सकते हैं, तो आपको बर्दाश्त आ जाएगी। एहतियात अभी तक लाजिम है, वही सब आप एहतियात तो करते ही, हमारे पुराने आप वीवर्स में से हैं और सब कुछ जान गए हैं, तो अब तो आपका ये शायद इसी महीने में आपको या आइंदा महीने में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। अब 10% रह गया है, भगवान से मदद मांगने की ज़रूरत है। और ये देखिए बहुत सारे फ़ायदे करता है गौन मोरिंगा और इसबगोल, जिनका वीर्य पतला हो उसको मजबूत करता है, जिनको पेशाब कंट्रोल से बाहर हो उसको अच्छा करता है, और किडनी की सफाई करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, क्रिएटिनिन को
ज़रूरत के मुताबिक करता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, चेहरे पर ग्लो आती है और मुहासे भी निकलना बंद हो जाते हैं, इससे बाल बहुत ग्रोथ करते हैं बाल, और भी बहुत सारे फ़ायदे। एक कोई दवा का मैं अगर फ़ायदे गिनाने लगूँ तो मुझे कई घंटे चाहिए एक दवा के फ़ायदे गिनवाने के लिए। तो आपकी ज़रूरत अगर इससे पूरी हो रही है तो बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं जी। कोलकाता से हैं सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद सुमित्रा। हाँ, जी स्वागत है। हाँ हाँ, मेरे तीन सवाल है साहब जी। ऐसा है कि मैं 6 महीने से गोंद चिया ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी दे रही हूँ, तो उनको 95% ही फायदा है जी। और मेरे को 85% फायदा है, मेरे अभी भी बॉडी में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा। और गोंद वो ले रहे हैं हम लोग, उनको ब्लड प्रेशर भी है हम लोग को, तो ब्लड प्रेशर में कोई फायदा नहीं आया है। जैतून का सिरका भी लिया हमने 4 महीने, उसमें वो सब मिला के, लहसुन का जूस ये सब मिला के, नींबू का जूस सब लिया है, तो मैं और अभी कंटिन्यू रखूं या कितना बंद कर दूं? और मेरे को जो बॉडी में दर्द रहता है, एक ये प्रॉब्लम है, और मेरे हस्बैंड के है, वो दाहिना हाथ थोड़ा कांपता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसमें बहुत कम फायदा है, थोड़ा फायदा है लेकिन बहुत कम फायदा है, तो उनको गोंद चिलगोजा दे सकती हूँ क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मेरा लड़का है 47 साल का, उसके जो गांठ का प्रॉब्लम था, उसको मैं गोंद चिलगोजा अभी भी दे रही हूँ, तो उसको क्या बंद कर दूं या देती रहूं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। अब सोडे के पानी से देती है ना बच्चे को? हाँ, सोडा का पानी देती हूँ और उसमें जैतून का नमक देती हूँ थोड़ा, एक चुटकी, और 2 चुटकी जीरा देती हूँ। ठीक ठीक है, दे तो सही वही आपने बताया। तो उसको कंटिन्यू रखूं कि मैं क्या करूं, बंद कर? देखिए, आप खिला तो बिल्कुल सही रहे हैं, बहुत समझदार महिला हैं, हर बात बिल्कुल अच्छे से कह रही हैं, पूरी समझ में आ रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो आप और चाहें तो 1-2 महीने कंटिन्यू करके देख सकते हैं। किसी किसी को ज़रा देर में फ़ायदा होता है, जैसे आपके पति को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आपको कम हो रहा है, यानी आपको 85% और आपके पति को 95%। तो आप दोनों बिल्कुल मुकम्मल फ़ायदे की दर पर हैं, मुकम्मल फ़ायदे के कगार पर हैं। इतना फ़ायदा अगर 6 महीने में हो रहा है तो मैं तो बड़ा इत्मीनान है मुझे, आपको कितना इत्मीनान है बहरहाल आप पर डिपेंड करता है, वैसे आपको भी इत्मीनान ज़रूर होना चाहिए। और कुछ दिन और लेंगे तो आप तो मुकम्मल ठीक होने वाले हैं दोनों लोग, और अपने हस्बैंड को बस एक ही बार गोंद चिलगोजा देना शुरू कर सकते हैं, वो भी बस एक चुटकी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं 24 घंटे में। और क्या सवाल है? बीपी सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बीपी में फ़ायदे के लिए 7 या 8 महीने चाहिए, अभी आधा टाइम हुआ है और आधा टाइम बाकी है। तो इसका काम क्या होता है इस सिरके का, कि नसों से कोलेस्ट्रॉल को ज़रूरत की बराबर लाता है, दिल के अमल को अच्छा करता है, ब्लॉकेज होता है तो खोलता है, और तो लेकिन इसमें 7-8 महीने लग जाते हैं, अभी आप उम्मीद रख सकते हैं इसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है जी। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।